नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथिक दवा के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं। तो आइए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले लक्षण की तरफ देखें तो बेचैनी, घबराहट, मृत्यु भय और बेहद कमजोरी। बेचैनी इस दवा का प्रधान लक्षण है। किसी स्थान पर भी उसे चैन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। रोगी कभी यहाँ बैठता है, कभी वहाँ, कभी एक बिछौने पर लेटता है, कभी दूसरे बिछौने पर, कभी एक कुर्सी पर बैठता है, कभी दूसरी कुर्सी पर। एक जगह टिक कर बैठना, लेटना, रहना तक उसके लिए दुर्भर हो जाता है। इस प्रकार की बेचैनी किसी दूसरी दवा में नहीं पाई जाती है। रोग की शुरुआत में जो बेचैनी होती है उसमें तो एकोनाइट काम कर जाता है, परंतु रोग जब बढ़ जाता है तब की बेचैनी के लिए आर्सेनिक औषधि अधिक उपयुक्त है। उस बेचैनी में रोगी घबरा जाता है। जीवनी शक्ति में दिनों दिन बढ़ता ह्रास देखकर उसे मृत्यु का भय सताने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे। दिनों दिन निर्बलता बढ़ती जाती है और रोगी इतना कमजोर हो जाता है कि पहले तो कभी उठ बैठता था, कभी लेट जाता था, कभी टहलकर शांति पाने का प्रयत्न करता था, परंतु अब कमजोरी के कारण चल फिर भी नहीं सकता। यह बेचैनी और घबराहट दूर हो जाने के कारण नहीं होती, कमजोरी हो जाने के कारण होती है। चिकित्सक को रोगी के विषय में पूछना चाहिए कि उसकी इस अवस्था से पूर्व क्या उसकी बेचैनी की हालत थी। जब कमजोरी बेचैनी का परिणाम हो तब पूर्व बेचैनी और वर्तमान कमजोरी इन लक्षणों के आधार पर आर्सेनिक एल्बम ही देना होगा। बच्चों की बेचैनी समझने के लिए देखना होगा कि वह कैसा व्यवहार करता है। अगर कभी वह माँ की गोद में जाता है, कभी नर्स की गोद में, कभी बिस्तर पर जाने का इशारा करता है, किसी हालत में उसे चैन नहीं पड़ता तो आर्सेनिक ही उसे ठीक करेगा। दूसरा लक्षण में बेचैनी में एकोनाइट और आर्सेनिक की मैं तुलना कर देता हूं। एकोनाइट का रोगी बलिष्ठ होता है, तंदुरुस्त होता है, उस पर एकाएक ही रोग का आक्रमण होता है, लगता है कि मृत्यु के मुख में जा पड़ा। उसे भी मौत सामने नाचती दिखती है, परंतु उसकी जीवनी शक्ति प्रबल होती है। वह शीघ्र ही दवा के प्रयोग से रोग से छूट जाता है और पहले जैसा हो जाता है। आर्सेनिक का रोगी मौत के मुख से छूट भी गया तो भी स्वास्थ्य लाभ पाने में उसे देर लगती है। रोग की प्रथमावस्था में एकोनाइट के लक्षण पाए जाते हैं, रोग की भयंकर अवस्था में आर्सेनिक के लक्षण पाए जाते हैं। जब रोग खतरनाक नहीं होता तब एकोनाइट, जब खतरनाक हो जाता है तब आर्सेनिक की तरफ ध्यान देना चाहिए। शर्त यह है कि बेचैनी, घबराहट, मृत्यु भय आदि लक्षण जो दोनों में समान है मौजूद होनी चाहिए। एकोनाइट रोगी में इतना बल रहता है कि बेचैनी में घबराहट और भय से इधर उधर उठता बैठता, बिस्तर पे पलटता है, परंतु आर्सेनिक का रोगी शुरू में तो बची खुची ताकत से इधर उधर बैठता उठता है, परंतु अंत में इतना शक्तिहीन हो जाता है कि वह बस पड़ ही जाता है। अगला लक्षण, मृत्यु समय की बेचैनी में आर्सेनिक तथा कार्बोवेज शांत मृत्यु लाते हैं या मृत्यु से बचा लेते हैं। मृत्यु सिर पर आ खड़ी होने पर सारा शरीर निश्चल हो जाता है। देखते देखते शरीर पर ठंडा चिपचिपाता पसीना आ जाता है। ऐसे समय हैजे या किसी भी अन्य रोग में आ सकता है। उस समय दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो रोगी की शांति से मृत्यु हो जाए, उसे तड़पना ना पड़े, या वह मृत्यु के मुख से खींच लिया जाए। यह काम होम्योपैथी में दो ही दवाएं कर सकती हैं, एक तो आर्सेनिक, दूसरी है कार्बोवेज। ऐसे समय दोनों में से उपयुक्त दवा की उच्च शक्ति की एक मात्रा या तो रोगी को मृत्यु के मुख से खींच लेगी या उसे शांतिपूर्वक मरने देगी। अगला लक्षण, जलन परंतु गर्मी से आराम मिलना। आर्सेनिक, फास्फोरस, सल्फर और सिकेल कोर की मैं तुलना भी कर दूंगा क्योंकि जलन इन चारों दवाओं में है। ये चार औषधियां जलन के लिए प्रधान औषधियां हैं। नवीन रोग की जलन में आर्सेनिक और पुराने रोग की जलन में सल्फर लाभप्रद है। नए तथा पुराने सभी रोगों में जलन के लक्षण पर फास्फोरस की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। सिकल कॉर और आर्सेनिक दोनों में जलन और कमजोरी पाए जाते हैं, परंतु इनमें अंतर यह है कि सिकल अंदर जलन किंतु बाहर बर्फ की तरह ठंडा होने पर भी
अंग पर कपड़ा रख नहीं सकता और आर्सेनिक का रोगी अंदर की जलन होने पर भी गर्म कपड़ा ही ओढ़ना चाहता है। आर्सेनिक का यह विलक्षण लक्षण है कि जलन होने पर भी गर्मी से उसे आराम मिलता है। फेफड़े में जलन हो तो रोगी सेंक चाहेगा, पेट में जलन हो तो वह गर्म चाय गर्म दूध पसंद करेगा, जख्म से जलन हो तो गर्म पुल्टिस लगवाएगा, बवासीर की जलन हो तो गर्म पानी से धोना चाहेगा। इसमें अपवाद सिर्फ मस्तिष्क की जलन है, उसमें वह ठंडे पानी से सिर धोना चाहता है। मैंने ऐसा कई बार वीडियो में बताया है कि आर्सेनिक का अपवाद है कि वह बस सिर पे ठंडा पानी चाहेगा, बाकी हर जगह अंग में जलन हो तो वह गर्म ही चाहता है। आर्सेनिक का रोगी सारा शरीर कंबल से लपेटे पड़ेगा, परंतु सिर उसका खुला होगा ताकि ठंडी हवा से उसे लगती रहे। अगला लक्षण, बार बार थोड़ी थोड़ी प्यास लगना। आर्सेनिक औषधि में प्याज इसका एक मुख्य लक्षण और खास लक्षण है प्यास, परंतु इस प्यास की एक विशेषता है, रोगी बार बार पानी पीता है परंतु हर बार बहुत थोड़ा पानी पीता है। प्रायः देखा जाता है कि रोग की एक अवस्था आगे चलकर दूसरी विरोधी अवस्था में परिणित हो जाता है। उदाहरण के लिए हमने देखा है कि आर्सेनिक में शुरू शुरू में बेचैनी होती है, परंतु आगे चलकर कमजोरी के कारण रोगी शिथिल पड़ जाता है, एक स्थान को छोड़ दूसरे स्थान में जाने की भी ताकत उसमें नहीं रहती। इसी प्रकार शुरू में आर्स में प्यास पाई जाती है, थोड़ा थोड़ा पानी पीना, कई बार पानी पीना, परंतु आगे चलकर इस औषधि का रोगी प्यासहीन हो जाता है। प्रारंभ में प्यास और रोग के बढ़ जाने पर प्यासहीनता या आर्सेनिक का लक्षण है। रोग की जांच करते हुए पूछना चाहिए कि क्या शुरू में रोगी को बार बार थोड़े थोड़े पानी की प्यास लगती थी। चिकित्सक को रोग की शुरुआत से अब तक की हालात जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर रोगी को अब प्यास नहीं है, अब वह कमजोरी के कारण बेचैन भी नहीं है, तो भी देखना यह है कि क्या शुरुआत में उसे प्यास लगती थी, शुरू में वह बेचैन था, ऐसी हालत में आर्सेनिक दवा देनी चाहिए। ब्रोनिया में रोगी देर देर बाद बहुत सा पानी पीता है, एकोनाइट में बार बार बहुत सा पानी पीता है और आर्स में बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। अगला लक्षण, बाह्य त्वचा अल्सर तथा गैंग्रीन पर आर्सेनिक का प्रभाव। आर्सेनिक की त्वचा सूखी मछली के छिलके के समान होती है, उसमें जलन होती है, फोरे फुंसिया आग की तरह जलती है। सिफिलिस के अल्सर होते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं, फैलते जाते हैं, ठीक नहीं होते, उनमें से सरी बदबूदार सोथ होने के बाद फोड़ा बन जाए और वह सरने गलने गैंग्रीन बनने लगे, तब आर्सेनिक दवा सही है, आर्सेनिक दवा ही देनी चाहिए। अगला लक्षण, स्लैस्मिक झिल्ली पर आर्सेनिक का प्रभाव। स्लैस्मिक झिल्ली अर्थात आँख नाक मुंह पेट मूत्राशय से जलने वाला जो स्राव निकलता है। आर्सेनिक के रोगी का स्राव जहाँ जहाँ लगता है वहाँ वहाँ जलन पैदा करता है। उदाहरण के लिए समझाता हूँ, जुकाम में जलन, जिसे जुकाम से पानी बहता है जहाँ जहाँ होंठ पर लगे वहाँ जलन पैदा कर दे, नाक में भी जलन करे, नाक छिल जाए, गर्म पानी से आराम मिले, वहाँ आर्सेनिक ही आपको देना है। मुख के छालों में जलन, जब मुख के छाले पड़ जाएं, जले गर्म पानी से लाभ हो तब वहाँ आर्सेनिक ही देना है। गले के टॉन्सिल में सोथ तथा जलन, गले में जलन और सोथ के साथ गर्म पानी की सेंक से आराम मिलने पर अन्य लक्षणों के ध्यान में रखते हुए आर्सेनिक की दवा दी जानी चाहिए, उसी से लाभ मिलेगा। पेट में सोथ तथा जलन, पेट का अत्यंत नाजुक होना, एक चम्मच ठंडा पानी पीने से भी उल्टी हो जाना, गर्म पानी से थोड़ी देर के लिए आराम, भोजन प्रणालिका की ऐसी सूजन की जो कुछ खाया जाए उसकी उल्टी हो जाए, सब में जलन होना, बाहर से गर्म सेंक से आराम मिलना, रोगी इतना बेचैन होता है कि टहलता फिरता है, चैन से बैठ नहीं सकता और अंत में इतना शिथिल और कमजोर हो जाता है कि पट पड़ जाता है, ऐसे लक्षण को ध्यान में देखते हुए आपको आर्सेनिक ही लेना है। एक निश्चित समय पर तथा पर्याय क्रम के रोग, एक यह आर्सेनिक का अगला लक्षण समझा रहा हूं। रोग का समयांतर से प्रकट होना इस औषधि का विशिष्ट लक्षण है, इसी कारण मलेरिया ज्वर में आर्सेनिक विशेष उपयोगी है। हर दूसरे दिन, चौथे दिन, सातवें या पंद्रहवें दिन ज्वर आता है। सिर दर्द भी हर दूसरे दिन, हर तीसरे, चौथे, सातवें या चौदहवें दिन आता है। रोग जितना पुराना अर्थात क्रॉनिक होता है उतना ही उसके आगे का व्यवधान लंबा हो जाता है। अगर रोग नवीन अर्थात एक्यूट है तो रोग का आक्रमण हर तीसरे या चौथे दिन होता है। इस दृष्टि से मलेरिया में चाइना की अपेक्षा आर्सेनिक
अधिक उपयुक्त समझी जाती है और आर्सेनिक से मलेरिया ऐसे मलेरिया में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। समयांतर का सिरदर्द, मलेरिया की तरह आर्सेनिक में ऐसा सिरदर्द होता है जो हर 2 सप्ताह के बाद आता है। रोगी बेचैन रहता है, घबराता है, नवीन रोग में पानी बार बार पीता है, रोग का पुराना हो जाने पर प्यास नहीं रहती, सिर पर ठंडा पानी डालने से आराम आता है, खुली हवा में घूमना चाहता है, मध्य रात्रि में 1 या 2 बजे यह पीड़ा शुरू होती है, कभी कभी दोपहर 1 से 3 बजे तक सिरदर्द शुरू होकर सारी रात रहता है। समयांतर आने वाले इस सिरदर्द के अन्य लक्षणों को देखकर आपको आर्सेनिक दवा ही देना है, उसी से लाभ मिलेगा। आर्सेनिक में रोग का पर्यायक्रम एक लक्षण है। अनेक रोगों में प्रायः देखा जाता है कि अगर मस्तिष्क के लक्षण प्रकट होते हैं तो शारीरिक लक्षण चले जाते हैं, और जब शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं तब मस्तिष्क के लक्षण चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्त्री को सिर पर भारी दबाव प्रतीत होता था। वह इस दबाव को दूर करने के लिए सिर पर कुछ बोझ रख लेती थी। जब सिर का दबाव दूर हो जाता था तब उसे बार बार पेशाब जाने की हाजत हो जाती थी। यह एलोमेन से बिल्कुल पूरी तरह जड़ से ठीक हो गया। एक रोगी को सिरदर्द होता था। जब सिरदर्द हटता था तब दस्त आने लगते थे। यह पोडोपाइलम से पूरी तरह दूर हो गया। इस प्रकार 2 रोगों के पर्याय क्रम का अर्थ यह समझना चाहिए कि शरीर में 2 रोग एक साथ हैं, और ऐसी औषधि का निर्वाचन करना चाहिए जो रोगी के दोनों अवस्थाओं पर असर कर सके। अगर इन लक्षणों में आर्सेनिक के लक्षण मौजूद हों तो इस औषधि का निर्वाचन करना होगा, परंतु लक्षणों के आधार पर ही, अन्य किसी आधार पर नहीं। अगला लक्षण समझा रहा हूँ, रात्रिकालीन या दोपहर के बाद रोग वृद्धि, जैसे कि दमा में ऐसा होता है। आधी रात के बाद या दोपहर को 1 से 2 बजे के बीच रोग का बढ़ जाना इसका चरित्रगत लक्षण है। विशेष रूप से दमे में यह पाया जाता है, परंतु बुखार, खांसी, हृदय की धड़कन, किसी भी रोग में मध्य रात्रि या दोपहर में रोग का बढ़ना आर्सेनिक का ही लक्षण है। अगला लक्षण, सफाई पसंद स्वभाव। इसका जो रोगी है बड़ा सफाई पसंद होता है, गंदगी या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर दीवार पर तस्वीर टेढ़ी लटकी है तो जब तक उसे सीधा नहीं कर लेता तब तक परेशान रहता है। जो लोग हर बात में सफाई पसंद करते हैं कहीं भी गंदगी देखकर परेशान हो जाते हैं, इस बात में सीमा का उल्लंघन कर जाते हैं, इनका लक्षण इस दवा में पाया जाता है। वैसे लोगों को आपको आर्सेनिक ही देना है। अब मैं आर्सेनिक के अन्य लक्षण को समझा देता हूँ। रक्तस्राव, आर्सेनिक रक्तस्राव की औषधि है। इसमें भिन्न भिन्न अंगों में रक्तस्राव होता है, चमकता हुआ लाल रंग का रुधिर। अगर इस रक्तस्राव का इलाज ना हो तो कुछ देर बाद जिस अंग में रक्तस्राव हो रहा है उसके सरे अंग की हालत हो जाती है और रुधिर काला थक्केदार हो जाता है। उल्टी में और टट्टी में ऐसा ही रुधिर जाने लगता है। रक्तस्राव के कष्ट में से गुजरते हुए रोगी बेचैनी की हालत में से गुजरता हुआ अत्यंत छिड़ता दुर्बलता की दशा में पहुंच जाता है। इस दुर्बलता में उसे ठंडा पसीना आने लगता है। रक्तस्राव का ही एक रूप खूनी बवासीर है। इसमें रोगी के मसों में खुजली होती है, जलन होती है और गर्म सुई साथ छींटता दर्द होता है। गुदा को सेंकने या गर्म पानी से धोने से शांति मिलती है। ऐसे लक्षण में आपको उन्हें आर्सेनिक ही देना है। दूसरा, ज्वर। ज्वर में शीत, ताप और स्वेद, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। आर्सेनिक के ज्वर में शीतावस्था में प्यास नहीं होती, तापावस्था में थोड़ी प्यास होती है परंतु मुंह गीला भर करने की इच्छा होती है। स्वेदावस्था में खूब प्यास लगती है, जितना पानी आता है उतना ही प्यास बढ़ती जाती है, अर्थात जितना उसे पसीना आता है उसकी प्यास बढ़ती चली जाती है। अगर समयांतर ज्वर हो, मलेरिया हो, तो उक्त लक्षणों को देखते हुए कुनीन की अपेक्षा आर्सेनिक इस ज्वर को जल्दी ठीक कर देता है। ज्वर समानांतर से आता हो, दूसरे चौथे दिन आता हो, मध्य दिन या मध्य रात्रि में बढ़ता हो, तब आर्सेनिक उसकी निश्चित औषधि है। अब मैं शक्ति और प्रकृति की बात करूंगा। पेट, आंतों तथा गुर्दे की बीमारियों में निम्न शक्ति दी जानी चाहिए आर्सेनिक की। स्नायु संबंधी बीमारियों तथा दर्द के रोगों में उच्च शक्ति से लाभ होता है। अगर सिर्फ त्वचा के बाह्य रोग के लिए औषधि देनी है तो आप 2x 3x दें, उससे लाभ होगा, जिसे दोहराया भी जा सकता है। अन्यथा दमे में 30 शक्ति और पुरानी बीमारी में 200 शक्ति से लाभ होती है। यह औषधि सर्द प्रकृति के लिए है। आशा है मैंने करीब करीब सभी आर्सेनिक के विषय में समझा दिया है कि किस लक्षण में आर्सेनिक दवा देनी चाहिए। यह एक बहुत मुख्य औषधि है और इसका ध्यान से अगर इस्तेमाल किया जाए तो रोग जड़ मूल से ठीक हो जाता है। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो
या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। दो दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रिक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।